Good afternoon, dear students. Welcome back to our today's English class. Today we are going to start Unit 1 English Grammar. Okay? English Grammar ka Unit 1 hum aaj start karenge. That name is the alphabet, vowels and consonants. Already we have learnt about alphabet, vowels and also consonants. Okay? In previous class, previous video. इसके पहले मैंने आपको वीडियो सारे सेंड किए हैं जिसमें अल्फाबेट हम सीख चुके हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर से ही अच्छे से आता है ना. वोवेल्स किसको बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसको बोलते हैं. लेकिन अभी हमारे ग्रामर बुक में हमारा फर्स्ट यूनिट है द अल्फाबेट. अल्फाबेट आपको पता है हम किसको अल्फाबेट बोलते हैं, है ना, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर 26 letters in the alphabet. How many letters in our alphabet? हमारे alphabet में कितने letters होते हैं? Already आपको पता है कितने letters होते हैं? 26. Which are they? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S, T, U, V, W, X, Y and Z. There are total letter 26 letters. कितने letters होते हैं ये? 26 letters होते हैं. और इसका order कैसे होता है? Certain order होता है. This order cannot be changed. ये order change होता है क्या? नहीं. पहले B आ गया, फिर D आ गया, फिर C आ गया, फिर ये आ गया. ऐसे होता है क्या? नहीं, इसका ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज. ये अपने सर्टन ऑर्डर से ही हमेशा रहता है अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक. ओके, अभी इसमें से आउट ऑफ दोस अल्फाबेट्स वी हैव टू फाइंड वोवेल्स. हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर? ऑलरेडी आपको पता है ना, इसके पहले मैंने वीडियो भी आपको भेजा था. हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर? देयर आर 5 वोवेल्स. व्हिच आर दे? ए, ई, I, O and U. ये 5 हमारे क्या है? वोवेल्स है. A, E, I, O, U are called vowels. इसको हम क्या बोलेंगे? वोवेल्स बोलेंगे. The rest of the letters are called consonants. देखो हमारे जो वोवेल्स है, A, E, I, O ये क्या है? वोवेल्स है. अब रेस्ट ऑफ द लेटर्स मतलब अभी जो लेटर बचे हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स. 21 क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट्स है. ओके, ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपका पहले भी क्लियर था, पहले भी सिखा चुकी थी, अभी एक बार फिर रिवाइज किए हैं. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज, अंडरलाइन द वोवेल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. देयर आर सम वर्ड्स, 5 वर्ड्स. देयर आर 5 वर्ड्स. अभी हमको क्या करना है? इन सारे वर्ड्स में से वोवेल्स को अंडरलाइन करना है. ओके, ये भी ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं ना, बहुत इजी है. तो फर्स्ट वर्ड है सी ए टी, कैट. सी ए टी, कैट. वोवेल कहां पर है यहाँ पे? वेर इज वोवेल? सी वोवेल है क्या? नो. टी भी वोवेल है? नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट है. वोवेल कौन सा है? ए है. सो वी हैव टू अंडरलाइन द वोवेल. नेक्स्ट, टी आर डबल ई. टी आर डबल ई क्या होता है? ट्री. व्हाट इज द स्पेलिंग? ट्री. ट्री में से वोवेल कौन सा? वी हैव टू फाइंड द वोवेल एंड देन अंडरलाइन इट. ओके, ई और ई, दो ई क्या हो गए इसमें से? वोवेल से. नेक्स्ट, डी ओ जी, डॉग, है ना. डी ओ जी, डॉग. डॉग में के स्पेलिंग में से वोवेल को हमको फाइंड करना है. कौन सा वोवेल इसमें? ओ. हम क्या करेंगे? ओ को अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट वर्ड है पी आई एन, पी. P-I-N, pin. So, find out the vowels. कौन सा vowel इसमें? I. So, we have to underline the letter I. Next, T-U-B,
tub. T-U-B, tub. So we have to find vowels and then circle it. कौन सा वोवेल इसमें? U. करेंगे U को circle. Okay, exercise समझ में आई? Next exercise है, circle the consonants in the following word. अभी आपको क्या करना है? Consonant को circle करना है. So we have to find the consonant and then circle it. Okay, यहाँ पर हमको हमने वोवेल्स को underline किया. अभी हम consonant को circle करेंगे. Okay, so first word है S H I P ship. Okay, S H I P ship. तो अभी सारे consonant है इसमें से, तो I छोड़ के बाकी तो सब consonant है. तो हम क्या करेंगे? S consonant है circle किया, H भी consonant है circle किया और P भी consonant है circle किया. Only I क्या है? Vowel है, तो हम I को छोड़ दें. Next J A R jar. J क्या है? कंसोनेंट है तो सर्कल किया. ए क्या है? वोवेल है, छोड़ दिया. और आर भी कंसोनेंट है, हम सर्कल किया. सिर्फ कंसोनेंट को हम सर्कल करेंगे. नेक्स्ट डी आर ई डबल एस ड्रेस. कौन सा स्पेलिंग है ये? ड्रेस. सो वी हैव टू फाइंड कंसोनेंट एंड देन सर्कल इट. डी क्या है? कंसोनेंट है, तो डी को क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. देन आर क्या है? आर भी कंसोनेंट है, आर को भी सर्कल करेंगे. ई क्या है? ई वोवेल से, ई नहीं करेंगे. और यस यस कंसोनेंट है, दोनों यस को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वर्ड है बी यू एस एच पुश. ओके, अब इसमें बी क्या है? कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट को सर्कल करेंगे. देन यू वोवेल से, एस कंसोनेंट है, एस को भी सर्कल करेंगे. देन एच, एच भी कंसोनेंट है, हम एच को भी क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. देन नेक्स्ट वर्ड है एल यू आर एस ई नर्स. कौन सा स्पेलिंग है ये? नर्स. सो एन क्या है? कंसोनेंट है, तो हम एन को क्या करेंगे? सर्कल. देन यू वोवेल्स आर कंसोनेंट, एस कंसोनेंट और ई क्या है? वोवेल्स, ई को छोड़ देंगे. समझ में आया? यहाँ पर हमने वोवेल्स को अंडरलाइन किया और यहाँ हमने कंसोनेंट को सर्कल किया. ओके, आफ्टरवर्ड्स वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स इन आवर ग्रामर टेक्स्ट बुक. ओके, और आपको वो साथ साथ में नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी करना है. ठीक है? सो यू हैव टू राइट ऑल द एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. ओके, ग्रामर के लिए आपको एक नोटबुक करना पड़ेगा जिसमें आपको ग्रामर के सारे लेसन हम उसमें एक्सरसाइज लिखेंगे और कुछ ग्रामर के टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइज कल करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड?